आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। निकटवर्ती ग्राम बारीखार में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महाउत्सव के चार दिन व्यासपीठ से पंडित ने सुमित कौशिक ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मनोहारी प्रसंगों का वाचन किया। जैसे ही श्री कृष्ण के जन्म की मंच से बधाई का गायन शुरू हुआ, वैसे ही गाजे बाजे ढोल के साथ बाबा वासुदेव टोकरी में विराजित गोपाल कृष्ण को लेकर पांडाल में प्रवेश किया। जैसे ही श्री कृष्ण के जन्म की मंच से बधाई का गायन हुआ, वैसे ही गाजे बाजे ढोल के साथ बाबा वासुदेव टोकरी में विराजित गोपाल कृष्ण को लेकर पांडाल में प्रवेश किया। कान्हा की झलक के लिए उपस्थित श्रोताओं की भीड़ कान्हा की टोली के आसपास लग गई। कान्हा के चरण पकड़ने के लिए महिलाओं में होड़ मच गई। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे नारों के साथ पांडाल गुंजायमान हो गया। कार्यक्रम के दौरान माखन का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। पंडित कौशिक द्वारा महिमा का बखान करते हुए कहा कि भव सागर करने के लिए श्री हरि के चरण ही एकमात्र साधन है। हरि के चरण सभी को पार लगाते हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति मेवड़ों के चरण स्पर्श की परंपरा है। राम जन्म के साथ अन्य कथाओं पर भी विस्तार से बताया गया। आयो,